जवान दस में हो जाए दोबार पर मधुबा दोबार पर सी और ऑल ऐसे सोल्यूशन। मैंने सोचा कि आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ग्रुप थियोरी के 17 लेक्चर्स होते हैं। इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विथ एग्जांपल 7 लेक्चर्स अटेंड किए जाते हैं और एक तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के ऊपर ही है। तो आपको 10 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बहुत अच्छे से समझदारी के साथ आपको अटेंड करने हैं। अब हम शुरू करते हैं कि क्या हमने सीखा आज। सो जैसे कि मैंने बताया था, क्वांटम केमिस्ट्री जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर होता है। ऑक्सीलरेशन मतलब अगर एक पेन की जो इंक स्क्रू होता है ना, हम उसको इस तरह से स्ट्रेच करते वही होता है। तो E इक्वल्स टू होता है N प्लस 1/2 HV। HV जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, N जो होता है नंबर होता है जो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और फिर हमने मतलब 1D 2D 3D के लिए जो ग्राफ्स होते हैं वो प्लॉट करना सीखा था। एक्चुअल हम आ जाते हैं कि हम पॉइंट ग्रुप में क्या सीखे। तो जैसे देखिए, आपको पता ही होगा कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, या तो वो देखो C2 होगा या फिर C2 हो ज़ीरो, मतलब C2 एक्सिस होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, अगर है तो वो क्या होगा, जो C2 एक्स में होगा या फिर वो वाई में होगा। उसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने देखा था एक्स वाई और जेड। अब ये जो है ना, उसका ये बताएगी कि ग्राफ हमने प्लॉट किया तो प्लेन से वो किस तरीके से आए। फिर ये सीखा हमने कि जैसे प्लेन पर ये आपका है ना ट्रांस पे एच, हम लोग बोल सकते हैं इसको O2H2। तो इसमें यहाँ पे तो एक प्लेन है, प्लेन यहाँ पे गया, प्लेन मतलब इस तरीके से कि ऊपर और नीचे, हमने देखा भी होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो इसमें O2H में क्या है, एक सबसे पहले तो ये समझिए कि C2X इसमें नहीं है और C2Z भी इसमें नहीं है। आप जानते हैं ना कि हम लोग यहाँ से X, Y और Z, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स तो मुझे दिखाई दे रहा है पर क्यों नहीं है पता नहीं। तो हमने क्या देखा, ये होता है आपका एक्स और ये होता है आपका जेड और ये होता है वाई। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स जेड है और सिग्मा यहाँ पर एच बी है, तो सी टू वाई है यहाँ पर। मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग जैसे सिग्मा वाई जेड और सिग्मा एक्स जेड। फिर हमने इम्प्रॉपर एक्सेस के बारे में देखा था। और फिर मैंने जो कल रात को पढ़ा था वो था पॉइंट ग्रुप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जांपल और सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सबसे पहले ए और बी एक मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपको बताया गया था यहाँ पे कि ई जो है इंटेंशियल, जितने ही एटम, जितने एटम्स आपके जो होते हैं, जितने भी एटम पाए जाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री उतनी ही होती है। वैसे ही डी एन एंड का था और फिर उसके बाद ये कल का लेक्चर मुझे खुद भी नहीं समझ आता, बट वापस से रिवाइंड करके मैं देखूँगी। फिर सी ओ ई एन का दिखाया गया था कि वो कैसे हैं, और फिर लीनियर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया था, सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें क्या है, सी इनफाइनाइट है, सी इनफाइनाइट है तो दो दो इसमें पॉइंट है तो सी टू है, और सिग्मा वी भी है, सिग्मा एच भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी इनफाइनाइट एच, डी इनफाइनाइट एच। उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे सी डबल बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड ओ था तो सी डबल बॉन्ड एस था इसमें, और इसमें क्या था सी इनफाइनाइट था, बट यहाँ पे कोई भी क्योंकि देखो ऑक्सीजन है तो ये यहाँ पे रोटेट हो या यहाँ पे आएगा ज़रूर, पर यहाँ पे सी टू नहीं था तो यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्मा वी था और इनफाइनाइट सिग्मा एक्स था, तो ये इसका पॉइंट ग्रुप होगा सी इनफाइनाइट वी। उसके बाद लीनियर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन ना हो तो वो सी इन्फिनिटी फॉलो करते हैं, सी इन्फिनिटी वी, और जिनमें हो तो वो मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है वो डेल्टा डी इन्फिनिटी एच को फॉलो करते हैं। फिर हमने सेवेंथ लेक्चर में पॉइंट ग्रुप में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ग्रुप के बारे में जाना था लीनियर मॉलिक्यूल्स के। एट्थ में इक्लिप्स्ड, और ये एग्जांपल था, इक्लिप्स था, और ये था ये वाला भी मैम ने बताया था इथिलीन का भी, तो इसमें सी इन्फिनिटी होगा सी टू होगा, तो सी टू हो तो सी टू इन्फिनिटी भी होगा, इन्फिनिटी सी सिग्मा वी और सिग्मा एच भी है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो है सिग्मा इन्फिनिटी एच। एट्थ था इक्लिप्स सी टू एच फाइव, मतलब इसको बी आर थ्री मतलब बी आर थ्री या एच एफ थ्री इस तरीके से आपको वो फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या था सी थ्री था, थ्री सी है तो सी टू प्रेजेंट ही है, तो थ्री सिग्मा वी भी था और सिग्मा एच भी था, तो इसका पॉइंट ग्रुप था सिग्मा थ्री एच। और सी एन के बारे में बताया था मैम ने, या तो सी एन होगा तो वो सी टू होगा या फिर वो बिल्कुल नहीं होगा। फिर सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, ए बी का जो रोटेशन होगा तो क्या होगा, और सिग्मा सॉरी सी एन जेड मल्टीप्लाई होता है सिग्मा एक्स बाई से। और फिर ये कुछ एग्जांपल्स है जो उन्होंने करवाया था, और एक ट्रिक्स बताया था कि ये ट्रिक मुझे खुद भी समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है एक्स वाई और जेड वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे रखा, तो देखो ये आइडेंटिकल केस में ऐसा हो सकता है, पर हमने क्या किया कि इन केस यहाँ पर अगर सी टू जेड है और मल्टीप्लाई करते हैं सी टू जेड को सिग्मा एक्स और जेड से, तो हमको यहाँ पे एक्स भी मिल रहा है और जेड भी मिल रहा है, तो हम इसको एक्स वाई जेड, तो सी टू जेड है तो वाई क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा सी टू, देखा था ना यहाँ पे जेड था और यहाँ पे एक्स है और जेड है, तो वाई क्या है माइनस है, और फिर माइनस एक्स वाई जेड और सिग्मा वाई जेड था। हाँ, जितना मुश्किल ये समझाने में उससे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था ये।